आज तक किसी ने YouTube में ऐसा वीडियो अपलोड किया भी नहीं और किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैं कहता सही लग रहा है। सो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आप लोगों के प्यार से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त जबकस मंडल, तो फिर से आज ने बहुत इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो के साथ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं मेरा जो टेडी बियर मास्कट कॉस्ट्यूम है उसको वॉश करने वाला हूँ। आप लोग के टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब टेडी बियर को मैं इसलिए वॉश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था और मतलब कुछ बदबू भी आता है, ठीक है, मतलब पसीना से वो भीग जाता है ना, इसलिए आज टेडी बियर मास्कट कॉस्ट्यूम को मैं वॉश करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा इसके इस वीडियो को देखने में। सो चलिए जल्दी जल्दी अभी पाइप को चालू करते हैं, मतलब मोटर को चालू करते हैं, पानी डालते हैं और फटाक से टेडी बियर मास्कट कॉस्ट्यूम को धोते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मतलब मैं अभी ये मोटर का जो स्विच दे रहा हूँ, पानी अभी वहां पे जाएगा, तो ये रहा पानी निकल रहा है। एक काम मुझे करना है, जो अभी ये वाटरप्रूफ जो केस है इसको मोबाइल के अंदर डालना है, नहीं तो मतलब जो मोबाइल में पानी अगर चला गया तो भाई मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल ही मेरा सब कुछ है। तो मोबाइल को अभी इस प्लास्टिक के अंदर डालते हैं और इस ट्राइपॉड पे लगाते हैं और आगे का जो वीडियो है वो आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस, फाइनली मतलब टेडी बियर को वॉश करने का टाइम जो आ चुका है, तो मैंने टेडी बियर को यहाँ पे ऊपर रख दिया था, अभी इसको मैं नीचे उतार रहा हूँ। तो ये रहा हमारा ड्रेस, तो इसको साइड में रखते हैं, और ये रहा हमारा हैंड ग्लव्स, इसको भी साइड पे रखते हैं, इसको भी धोएंगे, और ये बेली फैट, ठीक है। अभी सबसे जो मेन बात होता है कि ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, हेड, इस हेड को हम नहीं धो सकते, ठीक है। तो इसे निकालते हैं, मतलब ये जो हेड है इसको हम नहीं धो सकते, क्योंकि भाई ये मतलब एक कार्टून से बना हुआ होता है, आप लोग अंदर देख सकते हो। तो इसे धोना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन धोने से ये खराब हो जाएगा। आई डोंट नो मतलब ये ड्रेस भी खराब होगा कि नहीं। आज तक किसी ने YouTube में ऐसा वीडियो अपलोड किया भी नहीं और किसी ने आज तक बताया भी नहीं ये ड्रेस धो सकते हैं कि नहीं। सो मैं ये फर्स्ट टाइम धो के ट्राई करने वाला हूँ कि ये ड्रेस धोने के बाद अच्छा रहता है कि खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है, लेकिन इसको नहीं धोएंगे, इसको पकड़ के ऐसा लगता है ये कार्टून से बना हुआ होता है, तो इसलिए इसको नहीं धो सकते, ठीक है। लेकिन ड्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि धो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो प्लास्टिक थोड़ा रहता है, तो इसी वजह से इसको धो सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन ये दो दिन में सूखेगा। थोड़ा सा मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसको धो रहा हूँ फर्स्ट टाइम, किसी ने आज तक मतलब धोया नहीं होगा, या फिर धोया भी होगा तो फिर भी यूट्यूब में अपलोड नहीं किया होगा, तो मैं फर्स्ट टाइम ये धो के यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ। देखते हैं, अभी ड्रेस अगर खराब हो गया तो भाई मेरा वाट लगने वाला है, अगर अच्छा रहा तो अच्छा ही रहेगा। तो गाइस, मैं अभी सब एक्सेल को इस बाल्टी के अंदर देने वाला हूँ। तो ये फाइनली एक पैकेट दे दिया और अभी हम देने वाले हैं इस शैम्पू को। फाइनली यहाँ पे सब कुछ मैंने डाल दिया है, अभी बारी है इस टेडी बियर मास्कट कॉस्ट्यूम को यहाँ पे डालने का। तो पहले इसका जो पैर है उसको डुबाएंगे, ठीक है, पहले जाएगा पैर। तो भाई साहब, मतलब बहुत ही ज्यादा मैं रिस्क का काम ले रहा हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ऐसा बहुत सुना है कि रिस्क से ही नाम बनता है, अभी देखते हैं मेरा रिस्क से नाम बनता है कि नहीं। ओ भाई साहब, बहुत भारी है। बहुत भारी है, और अभी डुबाएंगे इसको, मतलब हैंड ग्लव्स को। तो गाइस, मतलब अभी हम इसको नहीं धोएंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रुई है, तो अगर रुई को धो देंगे तो रुई सिकुड़ जाएगा, इसलिए इसको नहीं धोएंगे, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। तो
तो अभी यहाँ पे हैंड ग्लव्स और मास्कॉट कॉस्ट्यूम चला गया है, थोड़ा सा इन लोगों को कुश्ती करते हैं दोनों के साथ, मतलब टेडी बेयर मास्कॉट कॉस्ट्यूम के साथ थोड़ा सा कुश्ती करते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी लिया था इस बाल्टी में, तो यहाँ पे मैं अभी डुबाने वाला हूँ इस पैर को, क्योंकि भाई ये मतलब बहुत ज्यादा गंदा होता है ये पैर, इसलिए इसको एक्स्ट्रा डुबाएंगे। ठीक है, दस पंद्रह मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, 10-15 मिनट के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे, देखिए कि साफ हुआ कि नहीं। तो अभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ 10-15 मिनट बाद। सो गाइस फाइनली यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रगड़ते हैं और इसको निकालते हैं पानी से। पहले हम धोएंगे इस शू को, तो फाइनली इसका जो शू है वो टोटली साफ हो चुका है। अभी बारी है मेन ड्रेस का। ओ भाई साहब बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है ये। तो अभी देखते हैं ये थोड़ा सा साफ हुआ कि नहीं। काफी हद तक साफ हो चुका है ये, ठीक है, मतलब काफी हद तक बहुत ज्यादा साफ हो चुका है, एकदम नया जैसा तो होगा नहीं। तो गाइस ये रहा इसका पूंछ, तो पूंछ को कुछ ज्यादा ही अच्छे से धोना है, क्योंकि सब लोग इसको पकड़ के मतलब खींचते हैं, इसलिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से धोएंगे। ठीक है, ये पूंछ फाइनली इसका धोना हो चुका है कंप्लीट, तो आप लोग देख सकते हो मतलब काफी ज्यादा साफ हो चुका है ये, तो ये देखो लगभग नए के जैसे ही लग रहा है। तो अभी इसको हम मतलब सूर्य के ताप में सूखने के लिए देंगे, उससे पहले इसका जो बॉडी है उसको उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ गंदगी लग जाए तो मतलब अगर लगे तो इस साइड में लगे, इस साइड में ना लगे, इसलिए इसको हम अभी उल्टा करेंगे, उसके बाद सूखने के लिए देंगे। टेडी बियर अभी चकाचक हो चुका है, अभी इसको हम सूखने के लिए देंगे। उसका भाव क्या बोल दी बाप रे। सो फाइनली काम हुआ खत्म, टेडी बियर जो कॉस्ट्यूम है उसको हमने लटका दिया है रस्सी पे सूखने के लिए, और अभी जो हैंड ग्लव्स है उसको भी हम लटकाएंगे उसके बाद, और जो उसका पैर है उसको भी लटकाएंगे, और यहाँ पे हेड को मैंने रख दिया है, देखो यहाँ पे हेड को मैंने रख दिया है, इसको अभी थोड़ा सा एक मतलब गीला हुआ कपड़ा लेके थोड़ा सा इसको पोंछ देंगे, क्योंकि भाई सबको धोया तो इसको थोड़ा सा पानी लगाना जरूरी है। तो अभी ये रहा इसका पैर, काम हुआ खत्म।
फाइनली टेडी बियर वॉश हो गया है मेरा। तो ये रहा कपड़ा, इसको हम थोड़ा से भिगाएंगे, इसके बाद पानी निकालेंगे, फिर अभी इसको पोछेंगे। ज़्यादा हर एक जगह पे नहीं पोछेंगे, कहाँ कहाँ पे मतलब थोड़ा सा इसका दाग लग चुका है उसको पोछेंगे। इधर तो देखो दाग ये है ना, ये फेस वॉश हो चुके हैं अभी, तो इसको भी रख देते हैं थोड़ा सा सूखने के लिए। सो गाइस फाइनली आज का ये जो काम है वो खत्म हो चुका है, और ये सूखने के बाद कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसका मैं फोटोज वगैरह वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो आज का वीडियो देखते हैं, अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पे नए बनाए हो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करना। तो मिलते हैं किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, सी यू लेटर।